हेलो दोस्तों, मेरे किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ पालक के पात्रा की रेसिपी। तो इसकी रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है और उसी के साथ मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ले लिया है, नमक और गरम मसाला, हींग। और मैंने यहाँ पे पालक को अच्छे से धो के उनकी डंडियाँ काट के रख दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिया है और उसी के साथ मैं इसमें एक चम्मच गरम मसाला डालूंगी। इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। खपन लाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा मिर्च डालूंगी, पाउडर भी डाल रही हूँ आधे चम्मच से थोड़ा सा कम। और उसी में मैं उसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी स्वाद के अनुसार। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चुटकी हींग भी डालूंगी। अब यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा पेस्ट बना लेंगे। तो बस अभी हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पे हमारा पेस्ट एकदम स्मूथ तैयार हो गया है। अब हम इसे पालक में लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम बड़े साइज के पालकों को सबसे नीचे रखेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम हाथों की मदद से इसमें इन पेस्ट को ऐसे लगा लेंगे इस पे अच्छे से। फिर इसी के साथ हम दूसरा पालक रख देंगे। इसे धीरे धीरे से इसमें लगा लेंगे। अब हम बीच में इसमें छोटे वाले पालकों को लगा लेंगे। जो छोटे पत्ते होते हैं उसे हम बीच में लगा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से रोल कर लेंगे। अब इनको इस तरह से रोल करके बना के रख देंगे। इसी तरह से ले लेंगे। तो हम इस तरह से फिर से इन्हें लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने इनको बना के, इन रोलों को बना के रख दिया है। अब हम इन्हें स्टीम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम स्टीम करने के लिए मैंने इडली का बर्तन लिया है। मैं इसमें अच्छे से तेल लगा लूंगी चारों तरफ से। अब इनमें हम इसे ऐसे रख देंगे। यहाँ पे मैंने नीचे इडली के बर्तन में पानी ले लिया है। मैंने उसमें एक नींबू का टुकड़ा डाला है ताकि हमारा बर्तन काला ना हो। अब हम इसे इसमें ऐसे रख देंगे और इसमें रोलों को ऐसे रख देंगे। तो हम अब इन्हें स्टीम कर लेंगे। इन्हें 10 मिनट पकने के लिए रख दिया है मैंने। तो यहाँ पे इनको पकते हुए करीबन 10 मिनट हो गया। अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। तो चलिए इन्हें चेक कर लेते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल पक गया है अच्छे से। तो हम इन्हें निकाल लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हम अब इनको अच्छे से काट लेंगे। तो पहले हम इनको निकाल लेंगे साइड पे। तो हम इन्हें काट लेंगे इस तरह से। तो हम इन्हें इस तरह से कट करके निकाल देंगे। ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं। तो देखिए, हमने सारे ही कट करके रख दिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें मैंने तेल गरम करने रख दिया है।
चूल्हे बनाना जितना सिंपल है उतना ही टेस्टी बनता है। आप इस रेसिपी को एक बार घर में जरूर ट्राई करना, बच्चों को तो पसंद आता ही है और बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। इन्हें आप चाय के साथ कभी भी फटाक से बना सकते हैं। जो बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं उन बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छा है, इस तरह से उन्हें हरी सब्जियां भी खाने मिल जाती है, एक स्वादिष्ट चटपटा नाश्ता भी मिल जाता है। तो बस इन्हें इस तरह से पलट देना है। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं ये। इस रेसिपी को आप एक बार जरूर घर में ट्राई करना, ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और इतने स्वादिष्ट लगते हैं ना कि आप एक बार बनाओगे तो इसे बार बार बनाओगे। तो देखिए ये कितने बढ़िया बने हैं और कितने क्रिस्पी भी बने हैं। तो बस अब ये रेडी हो गए, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो देखिए लग रही ना एकदम बढ़िया, इतने मस्त और क्रिस्पी। तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर से घर में ट्राई करना, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये बहुत क्रंची और अच्छा बना है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।